टुडे वी हैव द सुपर बीस्ट डेल जीबी प्रिंट 5520 और इसमें लगा हुआ है इंटेल का कोर i7 12700H और RTX 3050 Ti ग्राफिक्स। सो इन 2023 स्टिल आप इसको बाय कर सकते हो। वेल, अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि 2023 में डेल जीबी 5520 को कंसिडर करना चाहिए या नहीं। तो चलिए पहले इसका अनबॉक्स कर लेते हैं। पहले से खुला हुआ भाई दिखाने के लिए कह देता है, आप मानोगे नहीं ना तो अनबॉक्सिंग दिखानी पड़ती है। अच्छा, ये तो आपका लैपटॉप है, ये पावर कॉर्ड, ये है 180 वोल्ट का राउंड पिन वाला अडेप्टर, ये है डेल G15 5520। देखने में बहुत ही प्रीमियम है। टॉप लीड पर आपको डेल की ब्रांडिंग मिल जाती है, बॉटम पर आपको बड़े बड़े छिद्र दिखाई दे रहे हैं। लेफ्ट प्रोफाइल कुछ इस टाइप की रहेगी, रियर प्रोफाइल कुछ इस टाइप की रहेगी, राइट प्रोफाइल कुछ इस टाइप की रहेगी, बाकी फ्रंट से कुछ इस टाइप का रहेगा। इस लैपटॉप के पाम रेस्ट के लेफ्ट साइड में आपको कुछ इस लैपटॉप के फीचर्स मेंशन किए हुए मिल जाएंगे, राइट साइड में कुछ स्टिकर मिल जाते हैं, बाकी इसका ओवरव्यू आप देख सकते हो। ये लैपटॉप एस्थेटिक लुक ऑफर करता है। तो सबसे पहले इस लैपटॉप की स्पेक्स की बात कर लेते हैं। तो इस डेल G15 5520 लैपटॉप में आपको इंटेल का कोर i7 12700H सीपीयू मिल जाता है, जिसमें आपको 14 कोर 20 थ्रेड मिल जाते हैं। इसी के साथ में 24 MB की लेवल 3 कैश मेमोरी मिलने वाली है। तो बहुत ही शानदार सीपीयू है। आप इस सीपीयू के साथ में मल्टीटास्किंग कर सकते हो, हाई लेवल की वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। अगर आपको 3D मॉडलिंग या एनिमेशन के काम करने हैं तो डेफिनेटली आप इसको कंसीडर कर सकते हो। साथ ही में आपको 16 GB की DDR5 4800 MHz वाली रैम मिल जाती है, जिसको आप मैक्सिमम 32 GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। तो ये वाली चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी। अगर आप इस लैपटॉप की इन फ्यूचर रैम एक्सपेंड करना चाहते हो तो आप इजीली कर पाओगे। इस लैपटॉप के दोनों रैम स्लॉट ऑक्यूपाइड है, तो आपको इन दोनों को ही रिप्लेस करना पड़ेगा। स्टोरेज में आपको 512 GB की M.2 Gen 3 SSD मिल जाती है, और इसकी रीड राइट स्पीड बहुत ही कम आ रही थी। पता नहीं इस लैपटॉप में क्या इशू है, बट मुझे यही स्पीड मिली। और NVIDIA का RTX 3050 Ti ग्राफिक्स मिल जाता है, जिसमें आपको 4 GB की GDDR6 टाइप की VRAM मिल जाती है, और मैक्सिमम ये 90 वाट तक की TGB को कंज्यूम कर सकता है। मतलब कि इस लैपटॉप में RTX 3050 Ti गेमिंग या प्रोडक्टिविटी में पूरी शक्ति का प्रदर्शन करने वाला है। नेक्स्ट, यहाँ पर कनेक्टिविटी में आपको वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.2 का ऑप्शन मिलता है। बाकी मेरे प्लान की स्पीड 40 Mbps है, इसको तो ये वायरलेसली इजीली कंज्यूम कर लेता है, तो कनेक्टिविटी में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस लैपटॉप में आपको RJ45 लैन पोर्ट भी मिल जाता है, तो आप वायर के थ्रू भी भाई हाई स्पीड डेटा कंज्यूम कर सकते हो। इसी के साथ में इस लैपटॉप में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो आपको क्या चाहिए गेमिंग लैपटॉप में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्पेशल थैंक्स टू ड्रीमस्केप टेक्नोलॉजी, जिन्होंने ये लैपटॉप प्रोवाइड किया है। गौरव टावर मालवीय नगर जयपुर में सिचुएटेड है। अगर आपको भी कोई नया लैपटॉप पीसी परचेज करना है तो यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ लैपटॉप्स का अपडेटेड स्टॉक मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन किया है, तो आप जरूर से कॉन्टैक्ट करना। और हमारा रेफरेंस देते हो तो आपको और भी अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है। अब चलिए इस लैपटॉप की बिल्ड एंड डिजाइन की बात करते हैं। इस लैपटॉप का वेट 2.81 kg के अराउंड रहेगा, तो ये लैपटॉप थोड़ा सा बल्की तो है। और इस लैपटॉप की बिल्ड में प्लास्टिक रेजिन, प्लास्टिक पेंटिंग, स्पेकल रेजिन और एल्युमिनियम का यूज किया गया है, तो बिल्ड क्वालिटी में ये लैपटॉप आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। बहुत ही सॉलिड और स्टडी लैपटॉप ये रहेगा। और इस लैपटॉप में आपको टॉप कर फ्लेक्स एंड कीबोर्ड फ्लेक्स बहुत ही मिनिमल रहने वाला है। और इस लैपटॉप की लिड को आप सिंगल एंड से ओपन कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा वेट डिस्ट्रीब्यूशन मिलने वाला है। और क्या चाहिए भाई आपको। और बाकी इस लैपटॉप के टॉप कर पर आपको थोड़ी सी कलाकारी मिल जाएगी, डेल की ब्रांडिंग भी मिल जाती है, ये इस लैपटॉप के लुक को और एनहांस कर देती है। इनर डिजाइन आपके सामने है, बहुत ही प्रीमियम लुक ऑफर करता है। अब आप इस लैपटॉप की बेजल्स देख सकते हो, ये बहुत ही कम रहेगी। ऊपर वाली और नीचे वाली बेजल थोड़ी सी ज्यादा है, बट ये आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी। और नीचे वाली बेजल चिन पे आपको डेल की ब्रांडिंग भी मिल जाती है, तो देखने में ये लैपटॉप बहुत ही प्रीमियम है, बहुत ही सॉलिड लुक ऑफर करता है। आप इस लैपटॉप की कीबोर्ड पे नजर मारो तो यहाँ पर आपको बैकलिट कीबोर्ड मिलने वाला है, और ये ऑरेंज कलर की बैकलिट रहेगी। और स्पेशल एडिशन में आपको 4 ZR RGB वाला कीबोर्ड मिल जाता है, उसके लिए भाई अलग से पैसा देना पड़ेगा। बाकी अगर आप इस लैपटॉप पे टाइपिंग वगैरह करते हो तो इस लैपटॉप का कीबोर्ड ओके है, इतना ज्यादा खास नहीं है। आपको अगर हार्डकोर गेमिंग करनी है तो मेरा सजेशन यही है, आपको एक्सटर्नल कीबोर्ड माउस अटैच कर लेना है। इस लैपटॉप का टचपैड इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, आप अगर मल्टीटास्किंग करते हो, मल्टीपल टैब्स में स्विच करते हो, तो ये बहुत ही स्मूथली से और एक्यूरेटली वर्क करता है, और क्विकली से ये रेस्पॉन्स भी करता है। और इस लैपटॉप के कीबोर्ड से ऊपर और हिंज के पास वाले एरिया में आपको फेक वेंट्स मिल जाते हैं। बस ये डिजाइन इस लैपटॉप के लुक को एनहांस करने के लिए दी गई है। और इस लैपटॉप का पाम रेस्ट एरिया भी अच्छा खासा है। यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टाइम तक गेमिंग करते हो या टाइपिंग वगैरह करते हो, अपने ऑफिस का काम करते हो, तो आपकी पाम्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस लैपटॉप की इनर एज देखो, बहुत ही शार्प है, चाहे बेजल की देखो चाहे इस पाम रेस्ट वाले एरिया की देखो। बाकी बॉटम और साइड से थोड़ी बहुत टैपरिंग है। इस लैपटॉप के बॉटम पर आपको एक बड़ी सी एयर इनटेक के लिए ग्रिल मिल जाती है, और इस लैपटॉप में आपको 2 कूलिंग फैन मिलने वाले हैं। और इस डेल G15 5520 लैपटॉप में एलनवेयर इंस्पायर्ड थर्मल डिजाइन यूज की गई है, जो ऑप्टिमल कूलिंग के लिए जानी जाती है। और 4 एग्जॉस्ट वेंट मिलने वाले हैं, जिनकी प्लेसमेंट है इस लैपटॉप के लेफ्ट और राइट प्रोफाइल में, और 2 ट्विन एग्जॉस्ट वेंट इस लैपटॉप की रियर प्रोफाइल में मिल जाएंगे। तो कूलिंग के मामले में ये लैपटॉप बहुत ही सॉलिड रहने वाला है। इस लैपटॉप में कॉपर हीट पाइप यूज किए गए हैं। आप इस लैपटॉप में मल्टीटास्किंग करते हो या गेमिंग वगैरह करते हो तो ये लैपटॉप ज्यादा हीट नहीं
नहीं होता है। और इस लैपटॉप के बॉटम पर आपको दो स्पीकर वेंट्स भी मिल जाते हैं जिनकी ऑडियो क्वालिटी बहुत ही औसम है। बाकी आप ये सैंपल पार्ट सुनो। इस Dell G15 5520 लैपटॉप में 2.5 वाट के डुअल स्पीकर मिल जाते हैं और इस लैपटॉप में डॉल्बी ऑडियो का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो भाई ऑडियो क्वालिटी इस लैपटॉप की बहुत ही सॉलिड है। अगर आप इस लैपटॉप पे मूवीज वगैरह कंज्यूम करते हो, कंटेंट कंज्यूम करते हो या फिर गेमिंग के टाइम में और एक्सट्रीमली एंजॉय करना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी एक्सटर्नल स्पीकर की जरूरत पड़ेगी। अब इस लैपटॉप के पोर्ट्स की बात करें तो इस लैपटॉप के राइट साइड में आपको एक RJ45 लैन पोर्ट मिल जाता है, एक 3.5mm का हेडफोन माइक्रोफोन कॉम्बो जैक मिल जाता है और लेफ्ट साइड में आपको दो USB 3.2 जेनरेशन 1 टाइप ए के पोर्ट मिल जाते हैं और रियर की तरफ आपको एक USB 3.2 जेनरेशन 1 टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है, इसे आप डिस्प्ले आउटपुट निकाल सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक USB 3.2 जेनरेशन 1 टाइप ए का पोर्ट मिल जाता है, एक HDMI 2.1 पोर्ट मिल जाता है और एक पावर इन पोर्ट मिल जाता है। इस लैपटॉप में आपको सभी जरूरी पोर्ट्स मिल जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्ले। इसमें आपको 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है और ये WVA पैनल की रहेगी और इसमें आपको एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ में 250 nits और 45% NTSC का सपोर्ट मिल जाता है और ये 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट साथ में आएगी। अगर आप इस लैपटॉप पे कंटेंट कंज्यूम करते हो या अपने वीडियोस वगैरह एडिट करना चाहते हो तो आप इजीली कर पाओगे। हालांकि कलर करेक्शन के काम इस लैपटॉप पे नहीं हो सकते हैं क्योंकि इसमें आपको 45% NTSC का सपोर्ट मिलता है। और यार अगर आप इस लैपटॉप को अपने गेमिंग के लिए ही परचेज कर रहे हो, हार्डकोर गेमिंग करनी है, स्ट्रीमिंग करनी है या फिर आपको 3D मॉडलिंग वाले वर्क करने हैं, इस लैपटॉप की डिस्प्ले आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। अब इस लैपटॉप के वेबकैम की बात करते हैं तो इसमें आपको HD वेबकैम मिल जाता है और ड्यूल इंटीग्रेटेड माइक्रोफोन्स के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, बट यहां पर प्राइवेसी शटर नहीं मिलता है। भाई इतनी बड़ी सारी है तो एक प्राइवेसी शटर भी दे देते तो एक और फीचर ऐड हो जाता। ये वाला पार्ट इस लैपटॉप के वेबकैम और माइक से रिकॉर्ड हो रहा है तो इसकी क्वालिटी कैसी है आप खुद जज कर सकते हो। आप इस लैपटॉप के साथ में ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करते हो या जूम कॉल वगैरह करते हो तो मुझे नहीं लगता भाई आपको कोई भी एक्सटर्नल वेबकैम और माइक की जरूरत पड़ेगी। तो ये थी इस लैपटॉप के वेबकैम की क्वालिटी। मुझे नहीं लगता इसकी क्वालिटी को लेकर आपको कोई भी इश्यू आने वाला है। अब बात करते हैं इस लैपटॉप के परफॉर्मेंस की। तो सबसे पहले मैंने जब इस लैपटॉप को बूट किया तो ये लैपटॉप भाई 20 सेकंड तक ले लेता है बूट होने में। पता नहीं इसमें SSD की रीड राइट स्पीड भी स्लो आ रही थी तो यही रीजन है। बाकी अगर आप इस लैपटॉप में हाई स्पीड SSD लगा लेते हो तो इस लैपटॉप की बूट स्पीड और इनहेंस हो सकती है। मेरे वाले वेरिएंट में भी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ज्यादातर लैपटॉप 10-15 सेकंड लेते हैं बूट होने में, तो बूट स्पीड से आप लैपटॉप की परफॉर्मेंस को जज नहीं कर सकते हो। अब चलिए इस लैपटॉप के कुछ बेंचमार्क्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले Cinebench R23 के स्कोर में देखें तो यहाँ पर मल्टी कोर में 13052 का स्कोर करता है और सिंगल कोर में 1683 का स्कोर करता है। नेक्स्ट Geekbench 6 के सिंगल कोर में 2202 का स्कोर करता है और मल्टी कोर में 10453 का स्कोर करता है। OpenCL का स्कोर 61763 रहेगा जो कि बहुत ही इंप्रेसिव है। नेक्स्ट यहाँ पर आप PC Mark 10 की रेटिंग भी दे सकते हो और 3D Mark का टाइम स्पाई स्कोर भी आपके सामने है। गेमिंग लैपटॉप हो और गेम्स टेस्ट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने इस लैपटॉप पे सबसे पहले GTA 5 रन किया है। GTA 5 की फुल HD की अल्ट्रा सेटिंग्स पे ये 60 से लेके 80 FPS देगा और GPU यहाँ पर 80 वॉट तक की TGV को कंज्यूम कर लेता है और यहाँ पर GPU का यूजेज 99% रहेगा। CPU का टेम्परेचर आपके सामने है 90 से अबव रहने वाला है। तो GTA 5 को आप फुल HD की अल्ट्रा सेटिंग्स पे इजिली प्ले कर सकते हो। नेक्स्ट वेरी हाई सेटिंग्स पे ये 80 से लेके 95 FPS देता है, कभी कभी 100 को भी टच हो जाता है, कभी कभी भाई 80 से भी ड्रॉप हो जाते हैं। CPU टेम्परेचर अपना 90 से लेके 95 के बीच में रहेगा और GPU अपना 80 वॉट तक की TGV कंज्यूम करने वाला है। नेक्स्ट ये नॉर्मल और हाई सेटिंग्स पे 110 से लेके 115 FPS देगा, GPU 80 वॉट तक की TGV कंज्यूम करने वाला है और यहाँ पर CPU का टेम्परेचर 98, 95, 90 के बीच में रहेगा। इस लैपटॉप पर आप GTA 5 को भाई अल्ट्रा सेटिंग्स पे प्ले कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर Far Cry रन किया है, इसमें भी ये लैपटॉप बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स करता है, कोई भी इस लैपटॉप में लैग नहीं मिलेगा। Far Cry 6 के लो फुल HD प्रीसेट में ये 80 से लेके 90 FPS देने वाला है, TGP आपका 80 वॉट तक रहेगा और टेम्परेचर 90 डिग्री तक रहेगा। फुल HD के मिड प्रीसेट में ये 75 से लेके 80 FPS देता है, 80 वॉट तक की TGV को कंज्यूम करेगा, CPU का टेम्परेचर आपका 90 से लेके 95 के बीच में रहेगा और हाई प्रीसेट में ये 65 से लेके 70 FPS देता है, यहाँ पर TGV
80 वोल्ट तक की रहेगी और सीपीयू का टेम्परेचर आपका 90 डिग्री तक रहेगा। नेक्स्ट फिर मैंने इस लैपटॉप पे फोर्टनाइट रन किया है और यहाँ पर भी भाई बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स करता है। अगर आप इस लैपटॉप पे स्पोर्ट टाइटल वगैरह प्ले करना चाहते हो तो आप इजिली प्ले कर सकते हो। फिर सबसे लास्ट में मैंने RDR2 रन किया है और इसको भी भाई ये लैपटॉप इजिली हैंडल कर लेता है और आप अल्ट्रा सेटिंग्स में भी RDR2 को रन कर सकते हो। RDR के फुल HD के लो प्रीसेट में ये 87 एवरेज FPS देता है। सीपीयू का टेम्परेचर यहाँ पे 90 से लेके 95 रहेगा। GPU अपना 90 वोल्ट तक की TGP को कंज्यूम कर लेता है। तो यहाँ पर GPU का जो मैक्स TGP है उसको GPU टच करने वाला है। फुल HD की मिड सेटिंग्स पे ये 74 एवरेज FPS देता है। TGP अपने 90 वोल्ट तक की रहेगी और टेम्परेचर अपना 90 तक क्रॉस कर जाता है, कभी कभी ऊपर और कभी कभी नीचे भी रहता है। और हाई प्रीसेट पे भाई ये 68 FPS एवरेज देने वाला है। GPU का टेम्परेचर अपना 90 से लेके 95 के बीच में रहेगा और यहाँ पर GPU की TGP 98 तक टच हो जाती है। तो इस Dell G15 में RTX 3050 Ti अपनी पूरी शक्ति दिखाता है और अल्ट्रा सेटिंग से 59 FPS एवरेज रहेंगे। TGP 90 वोल्ट तक की रहेगी। टेम्परेचर आपका 90 से लेकर 95 डिग्री के बीच में रहेगा। अब देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गेमिंग लैपटॉप को स्पेशली प्रोडक्टिविटी टास्क के लिए परचेज करते हैं। तो मैंने इस लैपटॉप पे Adobe Premiere Pro रन किया है। सबसे पहले इसमें मैंने 2 मिनट का एक 4K प्रोजेक्ट रेडी किया है और इसमें मैंने 4 से 5 लेयर क्रिएट कर रखी है और ये 4K 60 FPS का प्रोजेक्ट रहने वाला है और जब इसको रेंडर करते हैं तो ये विद इन 2 से 3 मिनट में रेंडर कर लेता है। तो अगर स्पेशली आपको Dell G15 5520 लैपटॉप वीडियो एडिटिंग के लिए लेना है या फिर प्रोडक्टिविटी वाले टास्क करने हैं तो डेफिनेटली यू कैन कंसीडर दिस लैपटॉप। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर फोटोशॉप रन किया है और फोटोशॉप तो गाइज i3 लैपटॉप पे भी चल जाता है। तो ये तो भाई बहुत ही पावरफुल मशीन है। तो यहाँ पर आप हैवी लेवल के इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो। नेक्स्ट फिर मैंने इस लैपटॉप पे ब्लेंडर भी रन किया है। फिर मैंने 2 प्रोजेक्ट ओपन करके रखे हुए हैं और यहाँ पर जो कैमरा की मूवमेंट है या ट्रैक पैड की मूवमेंट है वो बहुत ही इजीली से ये हैंडल कर लेता है क्योंकि इस लैपटॉप में लगा हुआ है RTX 3050 Ti ग्राफिक्स। इस लैपटॉप पर अगर आप 3D मॉडलिंग के काम करना चाहते हो या फिर गेम डिजाइनिंग सीखना चाहते हो या फिर आपको ऑटोकैड या आफ्टर इफेक्ट जैसे सॉफ्टवेयर रन करने हैं तो ये लैपटॉप इजीली हैंडल कर लेगा। इवन आप इस लैपटॉप के साथ में 3D एनिमेशन के काम भी कर सकते हो। बाकी अगर आप स्टिल कंफ्यूज हो कि ये लैपटॉप किन लोगों को परचेज करना चाहिए, तो अगर आपको हार्डकोर गेमिंग करनी है, यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, अपने यूट्यूब वाले वीडियोज एडिट करना चाहते हो या फिर प्रोफेशनल वर्क भी करना चाहते हो इस लैपटॉप के साथ में, ग्राफिक्स डिजाइनिंग का वर्क है, ऑटोकैड भी रन करना है, तो डेफिनेटली आप इस लैपटॉप को कंसीडर कर सकते हो। अब चलिए इस लैपटॉप के बैटरी बैकअप की बात करते हैं। मैं पिछले 1 महीने से इस लैपटॉप को यूज कर रहा हूँ। गेमिंग में ये लैपटॉप हार्डली आपको 1 आवर का ही बैकअप देगा क्योंकि भाई ये लैपटॉप बहुत ही पावरफुल है। इसका जो ग्राफिक्स है वो परफॉर्मेंस मोड में 90 वॉट तक की TGP को टच कर लेता है। तो भाई बैटरी बैकअप आप इससे इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो गेमिंग के टाइम में। और नॉर्मल यूज लाइक अगर आप इस लैपटॉप पे ऑफिस का काम करते हो या फिर कोई मूवी वगैरह देख रहे हो तो 3 से 4 घंटे का बैकअप इजीली मिल जाएगा। इसमें आपको 3 cell 56 watt hour की बैटरी मिलती है जो कि भाई इतना ही बैकअप आपको ऑफर करेगी। बाकी यार मेरा सजेशन यही है, जब भी आप लैपटॉप को यूज करो तो लैपटॉप को चार्जर पे ही लगा के यूज करो ताकि जो लैपटॉप की एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो आपको सही से मिलेगी। इसमें आपको मक स्विच भी मिल जाता है बट इसको ऑन करने के लिए आपको इसके बायोस में जाना पड़ेगा, वहां से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। अब इस लैपटॉप की प्राइस की बात करें तो करंटली ये लैपटॉप आपको अराउंड 1 लाख रुपए में मिल जाएगा और इसका i5 12th जन वाला वेरिएंट आपको 70,000 के अप्रोक्स मिल जाता है। इस लैपटॉप की बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाकर आप इस लैपटॉप की करंट प्राइस चेकआउट कर सकते हो और इस लैपटॉप को परचेज भी कर सकते हो। तो ये था Dell G15 5520 लैपटॉप का कंप्लीट रिव्यू। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और लैपटॉप्स को लेकर आपको कोई भी डाउट है तो इंस्टा पे आ जाइए और ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं आपको एक और अमेजिंग वीडियो के साथ में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।